بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे बड़ा मुजज़ा दिया है वो कुरान मुकद्दस है। ये मुजज़ा क़यामत तक अपने इजाज़ात इस उम्मत और दीगर उम्मतों तक पहुंचाता रहेगा, हर दौर में हर दौर के लोगों की इस्तेआत के मुताबिक इसके मुजज़े देखने को मिलते हैं। इस मुकद्दस किताब का एक मुजज़ा ये भी है कि 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े के दिल में ये पूरा का पूरा कुरान लफ्ज़ ब लफ्ज़ मौजूद है। दुनिया की किसी मजहबी किताब को ये एजाज़ हासिल नहीं कि उसके मानने वाले उस पूरी किताब को मनो अन अपने दिल में उतार लें और उसे हिफ्ज कर लें, लेकिन कुरान वो वाहिद किताब है जिसके मानने वालों में लाखों की तादाद में वो लोग मौजूद हैं जिनके सीनों में ये किताब मौजूद है। सिर्फ पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल 70,000 हुफाज़े किराम पैदा हुए। ज़रा सुनिए इस मासूम 5 साल के बच्चे को, इसने भी हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल कर लिया है। इतनी बड़ी किताब का इतने छोटे से बच्चे के दिल में जमा होना यकीनन किसी मौजज़े से कम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अपने बच्चों को हिफ्ज़े कुरान करवाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। لار نوم دسته دی؟ آبید سوی مسی بارا کی؟ قال فما کی؟ خا بیتا قال فما شروع نو ایلگا؟ سورت الزاری آت مکیه بسم الله الرحمن الرحیم قال فما خد بکم ایوه مرسلون قالو انا ارسلنا الى قوم مجرمین بیتا دیز نو بسم الله الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أبدا أبدا सूरह अल जिन है बेटा। बस बेटा बस माशाल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।